सो हाय गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको टोटल 6 टिप्स बताने वाला हूँ। तो लेट स्टार्ट फ्रॉम इंट्रो। सो हाय गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 6 टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप ये टिप गेम प्ले में बराबर अप्लाई करोगे तो आपका गेम प्ले ज़रूर बेहतर होगा। तो चालू करते हैं गाइस। सो हमारी पहले नंबर की जो टिप है वो है डोंट स्टे एट वन प्लेस, ऑलवेज कन्फ्यूज योर एनिमी। तो आप इस क्लिप में देख सकते हो, हम 4 बंदे हैं और एक स्क्वाड ने, अलग स्क्वाड ने हमारे घर में पुश कर दिया है। वो लोग ग्रेनेड फेंक रहे हैं, आप देख सकते हो। हम या इस बिल्डिंग में 3 ही हैं और एक हमारा बंदा दूसरे साइड में है, दूर है बहुत। तो आप तो देख सकते हो वो लोग ग्रेनेड फेंक रहे हैं ऊपर, रश कर रहे हैं वो लोग। अब आप देखना मैं क्या करता हूँ। देखो उनका एक बंदा ऊपर भी आ गया था। तो ऐसा कभी ऐसे डर के ऊपर, कोई कोई बहुत बंदे मैं देखता हूँ वो लोग कैसे ऊपर बैठे छुप जाते हैं। उनको डर लगता है कि भाई बंदे आ गए, अब गए अपन, तो ऊपर ही छुपे रहते हैं, फिर उन्हें आके एनिमी मार देता है। तो ऐसे मत करना कभी भी, उन्हें कंफ्यूज करके मारना चाहिए। ये देखो अब ये उनका एक मैंने नॉकआउट कर दिया, हमारा भी एक नॉकआउट हो गया और मर गया। ये देखो ये इसका दूसरा बंदा, ये भाग रहा है, खिड़की में चढ़ रहा था साला, गया ये भी, दूसरा भी गया। मैं इसको पूरा मारने की कोशिश करता हूँ बट मेरे को और फुटस्टेप्स आते हैं। वो एक रहा वो गैरेज में, ये इधर से आ रहा है। तो उनको बहुत कंफ्यूज करके मारना है, हमेशा एक ही जगह पे एक ही प्लेस पे बैठ के कभी मत मारना किसी को। थोड़ा हील कर लेता हूँ मैं। हमारा एक बंदा गया, ये देखो एक यहाँ पे नॉकआउट पड़ा है जब से, और एक अंदर बंदा है उसको रिवाइव करने जा रहा है। ये देखो ये भी गया, ये भी नॉकआउट हो गया, और उसके 2 बंदे बाकी है। जो उधर था गैरेज में वो रिवाइव हो गया, ये आ रहा है। देखो ऐसे कंफ्यूज करना है, हमेशा एक ही जगह पे बैठ के या घास में छुप के ऐसा नहीं मारना। ये देखो 2 बंदे मेरे पास, ये देखो भाई मैं तो लिटरली मरने ही वाला था, बच गया बट। ये देखो पूरे 4 बंदे मैंने अकेले ने मार दिए। सो डोंट स्टे एट वन प्लेस, ऑलवेज कन्फ्यूज योर एनिमी। तो मैं आपको दूसरी टिप बताने वाला हूँ, मेक अ शील्ड ऑफ स्मोक ग्रेनेड फॉर योर प्रोटेक्शन इन लास्ट सर्कल। तो अब आप देख सकते हो ये लास्ट सर्कल है, यहाँ पे बस 6 बंदे अलाइव हुए हैं और उसमें से मैं अकेला ही बचता हूँ और बाकी मेरे सारे बंदे मर जाते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक भी कवर नहीं है, ना कोई पेड़ है ना कोई स्टोन है। तो मैं क्या करता हूँ, स्मोक से एक शील्ड बना देता हूँ प्रोटेक्शन के लिए। आप देख सकते हो अब 2 ही बंदे अलाइव है और मैंने शील्ड बना दिए। शील्ड से मेरा क्या फ़ायदा होता है आप देख सकते हो। अब मैं पूरा कवर हो गया हूँ, उसको पता नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ, तो वो मुझे ईजीली नहीं मार पाएगा, उसको बहुत ट्राई करना पड़ेगा, फिर भी नहीं पूरा नहीं मार पाऊँगा मैं। अब आप देख सकते हो मैंने फुल बूस्ट कर लिया है और मैं पूरा कवर में हूँ, मेरे पास बिल्कुल कवर नहीं थी पर मैंने स्मोक की शील्ड बनाई। अब मैं जंप करके देखता हूँ कहाँ पे हो सकता है वो बंदा, बट मुझे नहीं मिलता। आप अब देखो मैं स्मोक के नीचे से जाके देखता हूँ कि कुछ दिखता है क्या, कवर वगैरह। तो मुझे फाइनली कवर मिल गया है आगे, और वो भी स्मोक में है तो मुझे एडवांटेज है। तो मैं जल्दी जाता हूँ और कवर ले लेता हूँ। अब आप देख सकते हो वो रहा बंदा, गाड़ी के पीछे है वो। तो ये शील्ड का यार बहुत फ़ायदा है, आप देख सकते हो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर मैंने शील्ड नहीं बनाती तो मैं वो मेरे को वहाँ से ही मार देता था, बिकॉज़ वो दिख जाता है दूर से ही। और अब आप देख सकते हो वो छिप गया है। सो यही है यार, शील्ड बहुत काम की है लास्ट सर्कल में, आपको शील्ड बनानी चाहिए अगर आपके पास कवर नहीं है तो। ये देखो मैंने चिकन डिनर किया है 8 किल के साथ। तो हमारी नंबर 3 की टिप है, ऑलवेज यूज़ अ गुड क्वालिटी ईयरफोन बिकॉज इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आप देख सकते हो कि मैं खेल रहा था शेनॉक में, बूट कैम्प में उतरे थे हम लोग,
और ये देखो हमारे दो बंदे यहाँ पे नॉकआउट है, और मुझे पहले से ही पता चल गया कि यहाँ पे बंदा था, नीचे ही था करके। तो मैंने अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन पहने, इसलिए मुझे पता चल गया कि वो वहाँ पे ही है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने बंदे आते हैं, और हमेशा मैं वहाँ पे ही मारता हूँ। ये देखो हमारा बंदा गया, देखो मुझे पहले पता चल गया कि इधर से बंदे आ रहे हैं। देखो वो मर गया, फिर भी यहाँ पे दो तीन फुट स्टेप्स है, अभी वो ऊपर है, अब देखना नीचे आएंगे सब। ईयरफोन्स में पूरा सुनाई देता है। ये देखो ये आ गया, ये भी गया, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, लिटरली मरने ही वाला था मैं। आप देखो अब इसका बंदा, इसको बचाने आएगा। ये देखो ये रहा।